भारत की जीडीपी जिस स्तर पर तेजी से ग्रो कर रही है उसी तेजी के साथ भारत का खजाना भी बढ़ रहा है। जी हाँ, जहाँ दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्था से परेशान हैं और अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं, उस बीच भारत हर दिन के साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की जीडीपी जिस तेजी के साथ बढ़ रही है उसी तेजी के साथ बढ़ रहा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी, यानी फॉरेक्स रिजर्व। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते तगड़ी वृद्धि देखने को मिली है। आपको बता दें कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में 6.396 अरब डॉलर बढ़कर 642.492 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जानकारी खुद दी। इससे एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 10.47 अरब डॉलर की उच्च वृद्धि के साथ 636.095 अरब डॉलर हो गया था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन वैश्विक गतिविधियों के कारण उत्पन्न दबावों के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपये की गिरावट को थामने के लिए पूंजी भंडार का उपयोग किया, जिससे मुद्रा भंडार में थोड़ी कमी आई थी। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 6.034 अरब डॉलर बढ़कर 568.386 अरब डॉलर हो गई। बता दें, डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं का घटना और बढ़ना भी इसमें शामिल होता है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक इस अवधि में विदेशी करेंसी एसेट्स में 6.03 बिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला और ये 568.38 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। गोल्ड रिजर्व में भी उछाल देखने को मिला। गोल्ड रिजर्व 425 मिलियन डॉलर बढ़कर 51.14 बिलियन डॉलर हो गया। एसडीआर में 65 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी आई और ये 18.27 बिलियन डॉलर रहा। आईएमएफ के पास रिजर्व घटा है और ये 129 मिलियन डॉलर की कमी के साथ 4.68 बिलियन डॉलर रहा। बता दें, विदेशी मुद्रा भंडार में उठापटक कई वजहों के चलते देखा जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी को थामने के लिए भी आरबीआई को दखल देना पड़ा, जिसके चलते विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिली। घरेलू करेंसी को संभालने या डॉलर के मुकाबले गिरावट रोकने के लिए जब भी आरबीआई दखल देता है तो विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।